चंद्रपुर जिले के आखिरी टोक पर और पहाड़ी पर बसा है जीवती का आनंदगुड़ा गांव, जहां कल बुधवार 22 अप्रैल को एक महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। गांव के आशा वर्कर ने अस्पताल में फोन कर एम्बुलेंस मंगाया। एम्बुलेंस में डॉक्टर भी मौजूद थी, लेकिन जब प्रेगनेंसी के लिए महिला को ले जाने के लिए टीम एम्बुलेंस के नीचे उतरी तो वो भागने लगी। पुलिस ने पीछा कर उस औरत को पकड़ा और फिर उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया है। हमारे पाटन क्षेत्र में 6 गांव ऐसे हैं जहां पर कोलाम समाज के लोग रहते हैं। कोलाम समाज एक आदिवासी समाज है, जिनकी एक रूढ़ी परंपरा है कि अगर डिलीवरी के टाइम अगर उन्होंने दवाखाने की एम्बुलेंस पे बैठे तो उन लोगों का देव जो है वो नाराज़ हो जाता है और उसकी वजह से उनको एक बकरी और कुछ मुर्गी इन सब चीज़ों का बलिदान देना पड़ता है। इसलिए कोलाम समाज के लोग जो है ये हॉस्पिटल में डिलीवरी करने के लिए नहीं आते हैं और इसकी वजह से उनके यहाँ पर बाल मृत्यु का प्रमाण भी ज़्यादा है और माता मृत्यु का प्रमाण भी समाज में ज़्यादा है। तो कल लगभग 22 अप्रैल को मुझे 4:30 बजे वहाँ के आशा वर्कर से माहिती मिली कि एक जो गर्भवती माता है उसके पेट में दर्द हो रहा है और इसलिए फिर हम लोग, मैं, आशा वर्कर, ANM, आंगनवाड़ी, हम लोग चारों मिलकर उस माता के पास गए। जब हम लोग उस गांव में पहुँचे तो वहाँ के जो कुछ बूढ़ी औरतें थे उन लोगों ने उस माता को गाँव से बाहर भगा दिया कि तुमको इन लोग अब ले जाएंगे। और वो माता एक छोटे से चटाई पे डिलीवरी के लिए बैठी हुई थी, उसके पास कोई नहीं था और उनके परंपरा के हिसाब से वो खुद अपनी डिलीवरी करती और डिलीवरी होने के बाद जो भी उसका डिलीवरी से निकला हुआ जो भी प्लेजेंटा है वो खुद गड्ढा करती और उसको गाड़ती और उसके बाद फिर अपना जो है वो अलग रूम में जाके सो जाती और उसको दूर से ही सब लोग उसको खाना और पानी देते, कोई उसको टच नहीं करते हैं। इस वजह से वो जो माता है उनको प्रॉपर पोषण भी नहीं मिलता है और उसकी वजह से उनके जो बच्चे हैं वो कुपोषित होते हैं और उनमें मृत्यु का प्रमाण जो है ज़्यादा हो जाता है। तो जब कल हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोगों के साथ बहुत बुरा बिहेव किया गया, हम लोगों को बहुत सारी गालियाँ दी गई, बहुत इवन वहाँ के कुछ लोग मारने तक के लिए आ गए। फिर हम लोगों ने समय का भान करते हुए 2 पुलिस वालों को वहाँ पर बुलाया और पुलिस की मदद से हम लोगों ने उस गर्भवती माता को PSC पाटन तक लेके आया और सुखरूप उसकी डिलीवरी की। अब हम लोगों के सामने ये समस्या है कि हम लोग वहाँ पर जाते समय वहाँ के जो कुछ बूढ़े लोग थे, वृद्ध लोग थे, उन लोगों ने हमें बोला कि जब तुम इस डिलीवरी को छोड़ने आओगे तब तुम एक बकरा और 2 मुर्गी लेके आना, उसके सिवा इन लोगों को लेके मत आना नहीं तो हमारा देव नाराज़ हो जाएगा। फिर भी अब शासन से मेरी, DHO सर से मेरी बात हुई है, CEO सर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि तुम इसको 15 से 20 दिन वहाँ पर रखो अपने साथ और उसके बाद जो भी है इसके लिए हम लोग कुछ व्यवस्था कर। चंद्रपुर के जीवती में 6-7 गांव ऐसे हैं जहां कोलाम आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। कोलाम समाज के लोगों का मानना है कि प्रसव के लिए प्रेग्नेंट महिला अगर एम्बुलेंस से जाती है या उसकी डिलीवरी अस्पताल में होती है तो उनका भगवान क्रोधित हो जाता है। भगवान को शांत करने के लिए मुर्गा और बकरे की बलि देनी पड़ती है, ऐसी परंपरा यहाँ के लोगों में चल रही है। कल बुधवार को जब अस्पताल से एम्बुलेंस गर्भवती महिला को लेने के लिए आनंदगुड़ा में उनके गांव पहुंची तो गर्भवती महिला वहां से भागने की फिराक में थी तो उसी महिला के परिवार की एक बुजुर्ग महिला डॉक्टर को अपनी रूढ़ी परंपरा के बारे में जानकारी दे रही थी। कोलाम समाज की महिला के मुताबिक जब कोई औरत उनके समाज में गर्भवती होती है तो उसकी डिलीवरी घर में ही की जाती है। यदि उस महिला को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया गया या अस्पताल में उसकी डिलीवरी की गई तो भगवान क्रोधित हो जाता है और भगवान को शांत करने के लिए मुर्गा और बकरे की बलि चढ़ानी पड़ती है। बकरा और मुर्गा खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, जिस वजह से गर्भवती महिला के परिवार की बुजुर्ग महिला डॉक्टर से मुर्गा और बकरा देने की मांग कर रही है। अगर बकरा और मुर्गा नहीं दिया गया तो प्रसूति के पश्चात उस माता को गाँव में कदम नहीं रखने दिया जाएगा, ऐसी धमकी डॉक्टर को दे रही है। टीम BL24 न्यूज़।